खबर रीवा जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे मां बेटे ने गांव के सरहन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि वह सिमरिया थाना क्षेत्र के भमरा का रहने वाला है। उसकी मां माया खेत में काम कर रही थी, उसी समय कुछ जानवर खेत में आ गए, जिन्हें वह भगाने के लिए कुछ अपशब्द बोले, लेकिन वही बगल में खड़े दिनेश तिवारी को बुरा लगा और वह उसकी मां माया के साथ मारपीट कर दी। पीड़ित जब सिमरिया थाने में शिकायत दर्ज कराना चाहा तो पुलिस वहां से भगा दी, जिसको लेकर और जिसके चलते अब आरोपी पीड़ितों को धमकी दे रहा है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी भाजपा का कार्यकर्ता है, जिसके चलते पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। नाम क्या है? माया प्रजापति। कहां से आई आप? भमरा से। एसपी ऑफिस काहे के लिए आई? जी हम आने थाने एक जने बोले सिमरिया थाना पहले करांसर तो नहीं कुछ करीन हमार कार्यवाही। क्या विवाद है? विवाद ही बस यह है वो कि हमराई काटत रहे तो हमें गाली देने लागे, गाय देखी लल चैला मारे दौड़ा है तो फिर दो तीन जन निकल तो हम देख लिया कैसा मार, तू कहीं कि भाग जा चाहिए तो ही मारी हैं तो हम कहें हम कहाँ भाग जाइए, हम ही मारी तो हम कहाँ कर कहाँ जाइए, हम काटी थी तो काटत रहें तो फिर पकड़ पकड़ घसे आल लागे फिर मारी गोड़े हाथी मैं तो चिंग चिंग तो मैं देता बना है अब करिए करिए गोड़े में लाठी दिनेश तिवारी छोटे 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 लाल पीछे तब हमसे कहा था तिवारी कौन है ये कहाँ के हैं वाले हमारा के हमारा के क्या करते हैं ये हुई गई से खेती पे अपन कर रहे थे बहुत जो आता खेत पांच थोड़ा था जमीन तो अपन काटत भी ना थे। हमारे माता राम को मारे हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि जिसको बुलाना हो बुला लेना, जब तक मैं पाऊँ तब तक कतर के हम मेक दिया यही जम करें खुद बुला ली कलेक्टर सबकान ही। ये विवाद किस बात के लिए हो? अम्मा हमारी डाई काटने गई थी तो वहाँ गोरू पैर थे दूसरे के तो उनको बड़बड़ा रही हो रही होगी तो वो बोल रहा था कि हमको तो गाली दे रहे जबकि उसके माल मवेशी नहीं थे कुछ। वो करते क्या? वो खेती करते हैं। किसी पार्टी वार्टी से संबंधित है? उस पर हल्के फुल्के जुड़े हैं भाजपा से। भाजपा के नेता? नेता नहीं है, गाँव ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं। जी पार्टी का? जी। क्या नाम है आपका? लल्लू प्रजापति। किस बात का? कब तक विवाद है? 20 तारीख का। आज एसपी ऑफिस आए, क्या कुछ बात हुई? एसपी ऑफिस आए कि थाने सिमरिया में रिपोर्ट लिखा है कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम दो बार सिमरिया भी गए हैं तो बोले कि हो जाएगा हो जाएगा, इस जातिवाद की वजह से थाने में कुछ नहीं हुआ इसलिए यहाँ हम आए हैं एसपी ऑफिस। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इनको अच्छी पकड़ हो, अच्छी मार हो और उनके वो लगे क्या कहते हैं धाराएं। क्या नाम है आपका? लल्लू प्रजापति। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए अर्थ हाईवे सिटी। मात्र 850 रुपए में प्रति वर्ग फीट में उपलब्ध है प्राइम लोकेशन में हाईवे टच प्रॉपर्टी। हमारे यहाँ उपलब्ध हैं 900 वर्ग फीट से 2600 वर्ग फीट तक के प्लॉट साइज। रीवा शहर से 10 किलोमीटर, रीवा रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर एवं रीवा एयरपोर्ट से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अर्थ हाईवे सिटी। आकर्षक मेन गेट, कंपाउंड वॉल की सुविधा, पूरे प्रोजेक्ट में बिजली पानी नाली की सुविधा, रजिस्ट्री खर्च एवं नामांतरण फ्री, आपके अपने बजट के अनुसार हाईवे सिटी में प्लॉट बुक करने का सुनहरा अवसर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931625789627582294253778577। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा,